इंटरनेट क्या है? आप लोग इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं? हाँ सर करते हैं। जी जी, और तालीम में इस्तेमाल क्या है? आप ये जानिए कि अगर आप एक किताब चाहते हैं तो कहाँ जाएंगे? आप लाइब्रेरी में जाएंगे। अगर आप खाने का आइटम चाहते हैं तो कहाँ जाएंगे? किचन में जाएंगे। खाने का आइटम लाइब्रेरी में मिलना मुश्किल है और लाइब्रेरी की किताबें खाने के आइटम किचन में मिलना मुश्किल है। तो इसी तरह से इंटरनेट का मवाद आप हासिल करना चाहते हैं तो इंटरनेट में जाना जरूरी है। ठीक है, अब बिहेवियर कैसा होना चाहिए? बिहेवियर एटिकेट्स कहते हैं बर्ताव, जैसे चाल चलन बर्ताव एटिकेट्स, इस तरह से मुहज़बाना अंदाज में पेश एटिकेट्स कहलाते हैं। इंटरनेट पे जो नेट पे जो एटिकेट्स होते हैं उसको नेटिकेट कहा जाता है। पढ़ा है सब जरूरत और अहमियत इंटरनेट की और उसका एजुकेशन में इस्तेमाल। इंटरनेट क्या है? इंटरनेट क्या है? आप लोग इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं? हाँ सर करते हैं। हाँ, इंटरनेट से कौन कौन सी चीजें आपकी जुड़ी हुई हैं? फेसबुक, सोशल मीडिया साइट्स आप इस्तेमाल करते हैं। गुड, ओके। और कौन कौन सी चीजें, कौन कौन से डिवाइसेस आपके इंटरनेट से जुड़े भी हैं? मोबाइल फोन, कंप्यूटर, लैपटॉप, फोन, कंप्यूटर आपके इंटरनेट से जुड़े भी हैं। ठीक है, तो ये देखिए मोबाइल फोन का सिर्फ जाती तौर पर इस्तेमाल इंटरनेट नहीं कहलाएगा, अलबत्ता अगर वो दूसरे से जुड़ा हुआ है तो इंटरनेट कहलाएगा। जुड़ा कैसे होता है? देखिए आप इंटरनेट का न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, इंटरनेट से मवाद एक्सेस करते हैं, या दूसरे कंप्यूटर पे रखा हुआ ब्लॉग पढ़ते हैं, दूसरे के कंप्यूटर पे अपलोड किया गया वीडियो आप देखते हैं, तो ये जो है इंटरनेट के जरिए ही मुमकिन है। यानी अगर इसको देखें तो इंटरनेट एक दूसरे से जुड़े हुए कंप्यूटर्स और आलात का एक वसी आलमी नेटवर्क है। आप चाहे यूएस का के सर्वर में कोई मटेरियल होस्ट है, या यूके के सर्वर में होस्ट है, या सऊदी अरब के सर्वर में कोई मटेरियल होस्ट है, आप घर बैठे उसको एक्सेस कर सकते हैं। इंटरनेट एक दूसरे से जुड़े हुए कंप्यूटर्स और आलात का एक वसी आलमी नेटवर्क है जो मयारी प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करते हुए एक दूसरे से बातचीत या कम्युनिकेट करते हैं। अगर आप कहो कि कंप्यूटर मोबाइल में कहो कि मुझे ऑडियो न्यूज़ सुनाओ तो आपका मोबाइल ऑडियो न्यूज़ सुनाएगा। अगर आप कहो कि वीडियो गाना प्ले करे तो वीडियो का गाना प्ले करेगा। आप कहें कि अगर टेक्स्ट मटेरियल प्ले करे, यानी आपका मोबाइल दूसरे मोबाइल से कम्युनिकेट कर रहा है, ये इंटरनेट से मुमकिन है। जैसे ग्लोबल विलेज बन चुका है, यहाँ का फर्द दूसरे फर्द के मवाद को भी एक्सेस कर सकता है। इस कंप्यूटर में रखा हुआ मवाद ये शख्स भी एक्सेस कर सकता है, ये शख्स भी एक्सेस कर सकता है। क्या क्या एक्सेस कर सकते हैं इंटरनेट के जरिए? ये सारे जो सिंबल्स मैंने यहाँ पे रखे हुए हैं, ये सारी चीजें जो है एक्सेस कर सकते हैं। ये बच्चा इंटरनेट से मालूमात हासिल कर रहा है, तालीम हासिल कर रहा है, जिसको हम इस सेक्शन में देखेंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ कंप्यूटर, कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट क्या है? इंटरनेट जो है दो अल्फाज का मुखफ़ और मुरक्कब है। जैसे इंटरनेशनल में से इंटर लिया गया है, नेटवर्क से नेट लिया गया है, इंटरनेट। इंटरनेशनल नेटवर्क जो है इंटरनेट कहलाता है। कंप्यूटर्स कनेक्टेड विद अदर कंप्यूटर्स, एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे देखिए एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से वाईफाई से जुड़ा हुआ है, एक केबल से जुड़ा हुआ है, प्रिंटर भी जुड़ा हुआ है, आपका साउंड सिस्टम जुड़ा हुआ है,
आपका ये रिमोट प्लेइंग गेम जुड़ा हुआ है और इंटरनेट में बहुत सारी चीजें जो है जुड़ी हुई है। ये तो होम नेटवर्क का, ये होम वायरलेस नेटवर्क का एक पिक्चर मैं यहाँ पर पेश कर रहा हूँ। यहाँ पर डिजिटल देखिए इंटरनेट यहाँ पर है, एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से इंटरनेट के जरिए जुड़ा हुआ है। कौन कौन से डिवाइसेस हैं जो इंटरनेट के जरिए आपस में जुड़े हुए हैं? टैबलेट है जिसको आप टैब भी कहते हैं, मोबाइल है, मोबाइल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, पर्सनल कंप्यूटर्स हैं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स है, ये नेटवर्क ऑफ नेटवर्क जैसे मानो को आप एक नेटवर्क, मानो के सारे कंप्यूटर्स को आपस में केबल के जरिए जोड़ दें तो एक कंप्यूटर एक नेटवर्क बन जाता है। इसी तरह आप SCERT के ऑफिस अपने चले जाएं, वहाँ के सारे कंप्यूटर्स आपस में जुड़े हुए हैं। कुछ ब्लॉक्स में तमाम या तो कुछ स्कूल्स के तमाम कंप्यूटर्स आपस में जुड़े हुए हैं, वो नेटवर्क है। इस तरह के बहुत सारे नेटवर्क 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 आपस में जुड़े हों तो नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स बन जाता है जो इंटरनेट कहलाता है। इंटरनेट कहाँ इस्तेमाल हो रहा है, किस तरह से इस्तेमाल हो रहा है? देखिए आप ईमेल करते हैं तो नेटवर्क इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे आप फेसबुक ट्विटर इंस्टाग्राम इस्तेमाल करते हैं तो इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप जैसे व्हाट्सएप और टेलीग्राम यूज़ कर रहे हैं तो आप जो इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, वीडियो कॉल्स आप कर रहे हैं तो वीडियो कॉल के प्लेटफॉर्म्स जैसे स्काइप जूम यूट्यूब देख रहे हैं तो इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। इंटरनेट का इस्तेमाल हर जगह होने लगा है, आप नमाज पढ़ने के तरीके से कुरान को समझने तक भी इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। इंटरनेट का इस्तेमाल पॉजिटिव नेगेटिव सभी रहता है। इंटरनेट के लिए हम इन सारे एप्लीकेशन जीमेल है ट्विटर है कैलकुलेशंस है रीडिंग बुक्स है हर जगह पर इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर ओवर द ईयर्स इंटरनेट का इस्तेमाल 2015 से 25 तक एक्सपेक्टेड देख रहे हैं तो लगातार इसमें बढ़ोतरी ही देख रही नजर आ रही है। आपकी इनकम बढ़ती है कि नहीं कोई नहीं कह सकता, आपका आपकी जहानत बढ़ती है कि नहीं कोई नहीं कह सकता, लेकिन इंटरनेट का इस्तेमाल जरूर बढ़ रहा है। ये इंटरनेट के इस्तेमाल आते हैं। इंटरनेट कब से शुरू हुआ कैसे चल रहा है ये बहुत बड़ी इसकी तारीख है। जैसे 1965 से इंटरनेट शुरू हुआ, फिर उसके बाद जब आलमी जंग हुई तो और कंप्यूटर्स को जोड़ा गया, थोड़े फाइल इधर रखे गए थोड़े फाइल उधर रखे गए ताकि दुश्मन जो है अटैक ना करे, कंप्यूटर्स को जोड़ा गया, एक लंबी तारीख है उसकी। आज हम देखते हैं कि 2022 तक 5 बिलियन पीपल जो है इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। शुरुआत में हम सोचते थे कि बहुत कम लोग इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन वक्त के गुजरते गुजरते बहुत कंप्यूटर का इस्तेमाल होने लगा है। अगर कंप्यूटर को इंटरनेट से जुड़ना है क्या क्या चीज़ें हमें दरकार है? रिक्वायर्ड कंपोनेंट्स टू कनेक्ट टू द इंटरनेट, एक आपके पास कंप्यूटर होना चाहिए। आपका आप अगर कहें कि मेरा मोबाइल है वो तो कंप्यूटर नहीं है, वो भी एक छोटा कंप्यूटर ही है समझिए उसको, क्योंकि जो कंप्यूटर में आप कर सकते हैं वो सारी चीज़ें जो है मोबाइल में कर सकते हैं। कंप्यूटर में आप बात नहीं कर सकते, फ़ोन नहीं कर सकते, आप मोबाइल में फ़ोन भी कर सकते हैं, तो एक मैजिकल बॉक्स है कंप्यूटर से बढ़ के है। तो आपको इंटरनेट से जुड़ने के लिए कंप्यूटर का होना ज़रूरी है। डायल अप एक्सेस मॉडेम टेलीफोन लाइन होने चाहिए या डेटा लाइन होनी चाहिए या वाईफाई होने चाहिए, एक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होना चाहिए जैसे BSNL है या कोई भी जो है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करता है। इंटरनेट एक्सेस के लिए एक ब्राउज़र होना चाहिए जैसे गूगल क्रोम है इंटरनेट एक्सप्लोरर है या कोई और सॉफ्टवेयर होना चाहिए जिसके जरिए आप ब्राउज कर सकें, यूट्यूब है, ये सारी चीज़ें इंटरनेट है। इंटरनेट जो है टावर्स के जरिए मॉडेम तक पहुंचता है, मॉडेम के जरिए डेस्कटॉप तक पहुंचता है। इस डेस्कटॉप से भेजा गया मवाद जो है मॉडेम के जरिए टावर के जरिए होते हुए इंटरनेट को जाके वापस दूसरे सिस्टम तक पहुँचता है। मीलों की मुसाफत जो है सेकंडों में तय की जाती है, ये इसकी खूबी है। अगर हम यहाँ से अमेरिका जाना शुरू करें तो लंबा अरसा लग जाएगा, हो सकता है 36 घंटे लगे, पता नहीं कितना टाइम लगता है, लेकिन आपका इंटरनेट से भेजा गया मैसेज या आपका कॉल किया गया वीडियो कॉल सेकंडों में दूसरे जगह लग जाता है, ये इसकी अहमियत है इंटरनेट की। इंटरनेट जो है
आपके टैब से जुड़ा हुआ है, स्मार्टफोन से जुड़ा हुआ है, आपके डेस्कटॉप से जुड़ा हुआ है, आपके लैपटॉप से जुड़ा हुआ है। ये जो है राउटर के जरिए या मॉडेम के जरिए इंटरनेट से सारे डिवाइसेस जुड़ते हैं। ये बेसिक रिक्वायरमेंट है जो इंटरनेट के लिए हमें दरकार है। किस तरह से इंटरनेट शुरू किया जाए, ये मैंने यहाँ पे कुछ वीडियो लिंक्स रखे भी हैं, वक्त की कमी के बाद जो है मैं यहाँ पे दिखाऊंगा नहीं। अगर आप कभी वक्त मिले, मैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन अपने ब्लॉग पर रखता हूँ, अगर आपको वक्त मिले तो उसको क्लिक करके आप देख सकते हैं। और वैसे भी किस तरह से इंटरनेट से जुड़ा जा सकता है, आप ये सवाल यूट्यूब में पूछेंगे तो आपको नजर आएगा। इसके लिए एक प्लग होता है, प्लग से आपको मॉडेम को जोड़ते हैं, मॉडेम से इथरनेट केबल होता है, इथरनेट केबल से राउटर को जोड़ते हैं, और राउटर से जो है डेस्कटॉप को जोड़ा जाता है, फिर इंटरनेट केबल से जो है लैपटॉप को भी जोड़ सकते हैं। ये जोड़ने का तरीका है सिंपल सा। आजकल आप मोबाइल का मोबाइल ऑन कर लेते हैं, उसका वाईफाई ऑन करते हैं, वाईफाई से दूसरे वाईफाई जहाँ से इंटरनेट प्रोवाइड हो रहा है उसको जोड़ के उसका यूज़र आईडी और पासवर्ड आपका है उसको डाल दें तो आपका मोबाइल वाईफाई में काम करना शुरू कर देगा। उसके अलावा जो है आप मोबाइल में अगर डेटा है आपके, जस्ट डेटा ऑन कर लीजिए, आप व्हाट्सएप डाउनलोड कर सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं, यूट्यूब देख सकते हैं, या कोई न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, या किताबें पढ़ सकते हैं, जो ज़रूरत है वो कर सकते हैं। तो इस तरह से हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट मैंने खोज की तो बहुत सारी जगह पर अलग अलग, कहीं 1965, कहीं 1958, अलग अलग तरीके से दिया गया है। ये एक तारीख है जो बता रही है हमें कि आरपानेट कब शुरू हुआ, अमेजन कब शुरू हुआ, फिर मेल जीमेल कब शुरू हुआ, गूगल कब शुरू हुआ, जीमेल, फेसबुक, वीमियो, फ्लिकर, यूट्यूब, फिर ट्विटर, उसके बाद क्रोम, इंस्टाग्राम, पिंटरेस्ट वगैरह कैसे शुरू हो गए। आहिस्ता आहिस्ता काफ़ी तरक्की होगी। देखिए जब आप राइट ब्रदर्स ने एरोप्लेन उड़ाया था तो हो सकता है कि वो एरोप्लेन उड़ नहीं पा रहा था, या तो कुछ ही सेकंडों के लिए उड़ा था, या दो ही लोगों के लिए उड़ा था, फिर उसका पेट्रोल की स्टोरेज बढ़ गई, उसके बैठने की सीटें बढ़ गई, मुसाफत तो ज़्यादा तय करने की उसके अंदर कैपेसिटी बढ़ गई। तो इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता एवोल्यूशन होता है। आज इंटरनेट जो सिर्फ टेक्स्ट मटेरियल के लिए या कुछ मटेरियल स्टोर करने के लिए होता था, आज हम आसानी के साथ सेकंडों में यूट्यूब प्रोग्राम डाउनलोड करते हैं और देखते हैं। बहुत पॉपुलर इंटरनेट आजकल हो रहा है। लेकिन इंटरनेट कैसे एक्सेस होता है? आपका कंप्यूटर एक एड्रेस रखता है, जिस तरह से आपका घर है, आप घर के अंदर क्या करते हैं, आपका घर का नंबर, आपका मोहल्ले का एड्रेस, आपकी लोकेलिटी का एड्रेस, आपका गांव या शहर का एड्रेस, आपका पिन कोड डालने के बाद आपका खत आपके घर पहुंचता है। इसी तरह से कंप्यूटर का भी मटेरियल उसी जगह आने या उस जगह से जाने के लिए एक एड्रेस होना जरूरी है। इस एड्रेस को कहते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस कुछ इस तरह से नजर आता है, 1.2.3. यानी 3 डॉट के जरिए 4 नंबर अलग अलग किए गए हैं। 8 बिट्स के नंबर होते हैं, कुल मिला के 32 बिट्स। IPV इंटरनेट प्रोटोकॉल फर्स्ट वर्जन जो था, उसमें फोर्थ वर्जन जो था उसमें 32 बिट का एक नंबर हुआ करता था। ये नंबर जो है 32 बिट का नंबर है, 4 बाइट्स वाला नंबर है, 4 बाइट्स वाला नंबर जिसको सेपरेट किया गया है 3 डॉट से। एक डॉट है, दूसरा डॉट है, तीसरा डॉट है, 4 नंबर सेपरेट किए गए हैं। ये आपका एड्रेस है, कंप्यूटर का एड्रेस। अगर इस एड्रेस से मैं कहूँ एक न्यूज़पेपर डाउनलोड करो, वो हो जाएगा जो होस्ट है होस्ट सर्वर पे जाएगा, फिर वहाँ पे क्लिक करेगा, वहाँ से मटेरियल आपके सिस्टम पे लाएगा। तो ये सिंपल सी बात है। अगर आप लैपटॉप से कहें तो लैपटॉप के आईपी एड्रेस पे देगा, अगर आप मोबाइल पे काम कर रहे हैं तो मोबाइल के आईपी एड्रेस पे लाकर देगा। आप कहें टेक्स्ट मटेरियल तो टेक्स्ट मटेरियल, आप कहें ऑडियो वीडियो तो वो ला के देगा।
लेकिन जैसे जैसे इसका नंबर जो है 2 × 32 डिवाइसेस जो कुछ बिलियंस में होते हैं, उतने डिवाइसेस को ही आईपी एड्रेस दिया जा सकता था। लेकिन वक्त के साथ टेक्निकल टीम ने लोगों ने देखा कि नंबर ऑफ डिवाइसेस बहुत ज़्यादा हो जा रहे हैं। हर घर में बाप के पास, बेटे के पास, माँ के पास, छोटे बेटे के पास, बड़े बेटे के पास, सभी के पास जो है मोबाइल है। तो इतने मोबाइल को आईपी एड्रेस देना 2 × 32 और 32 बिट नंबर से बहुत मुश्किल हो जा रहा था। तो 1995 में 128 बिट वाला नंबर दिया गया, जिसको इंटरनेट प्रोटोकॉल 6 वर्जन कहा जाता है, जिससे 2 × 128 डिवाइसेस आप पावर करके देखें कितना नंबर आता है। जैसे 2 × 2 मतलब 2 × 2 4, 2 × 3 मतलब 2 × 2 × 2 8, अगर 2 × 4 मतलब जो है 16, 2 × 5 मतलब 32, इस तरह से 2 × 28 128 मरतबा आप जरब दे तो जितना नंबर आता है उतने डिवाइसेस इससे जुड़ सकते हैं, इस एड्रेस को दिया जा सकता है। इसी तरह से 1998 में और एक डिफरेंट काइंड्स ऑफ कोडिंग सिस्टम शुरू हुआ। इसका एक बेहतरीन वीडियो मैं अभी थोड़ी देर पहले देख रहा था, जो यहाँ पे मैंने उसका लिंक लटका हुआ है। लेकिन हम लोगों के दीगर मसरूफियात भी होती हैं, कोई गेस्ट वगैरह आ गए तो उनको अटेंड करना था, और एकेडमिक एक्टिविटीज़ के लिए दूसरे लोग भी आते हैं, तो मैं उसको तफसील देख नहीं पाया। लेकिन इस वीडियो से आप इस्तेफादा कर सकते हैं। इंटरनेट क्यों चाहिए? क्या हमारे लिए किताबें काफ़ी नहीं है? क्या हमारे लिए टीचर्स काफ़ी नहीं है? क्या हमारे वालिदैन ही हमें हर तरह के का मवाद नहीं दे सकते? ये सवाल आपके जहनों में आएगा। अगर नहीं आता है तो मैं चाहूँगा कि आप इस सवाल को लाएं, क्यों चाहिए इंटरनेट? इंटरनेट हमें चाहिए कम्युनिकेशन करने के लिए, यानी एक दूसरे से रابطे के लिए, रिसर्च या तहकीक के लिए, बिजनेस और फाइनेंस के लिए, तालीम के लिए, अपडेटेड इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए, ब्लॉगिंग के लिए, लेजर टाइम फुर्सत के अवकात के लिए, सीकिंग जॉब्स के लिए इंटरनेट चाहिए। जैसे कम्युनिकेशन पुराने ज़माने में क्या होता था, एक सिंपल सी एग्जांपल है, एक घर में एक बच्चा पैदा होता है, तो बच्चा हो सकता है नाना के घर में पैदा हुआ, तो नाना ने क्या किया, एक पोस्ट कार्ड जो है वालिद को, जो दूसरे जगह पर ड्यूटी कर रहे थे, उनको पोस्ट किया कि आपका लड़का हुआ है, आपके यहाँ लड़का हुआ है, आप मिलने के लिए आ जाइए। तो वो लेटर पहुँचते उस वक्त पहुँचा जब बच्चा जो है 40 दिन का हुआ था, वालिद जो है उसके चिल्ले में चले गए। तो यानी देखिए कितना वक्त लगता था कम्युनिकेट करने के लिए। उसके बाद टेलीफोन आए, उसके बाद आज जो है इंस्टेंट मैसेजिंग, आप वीडियो कॉल में मीलों दूर के अगर आपके रिश्तेदार हैं तो इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। कम्युनिकेशन के लिए इंटरनेट चाहिए। ये तहकीक में अगर देखे जाए तो आपका वक्त बचाता है, आपके पैसे बचाता है, आपको एक दूसरे को अपने तहकीक को शेयर करने के लिए मदद देता है। बिजनेस और फाइनेंस में तो आपने देखा होगा कि आपके फ़ोन बिल हो, लाइट बिल हो, आपकी टिकट हो, या तो ऑनलाइन शॉपिंग हो, ये सारी चीज़ें जो है आप इंटरनेट के इस्तेमाल से घर बैठे कर रहे हैं। एजुकेशन में ऑनलाइन रिसोर्सेज आप देख सकते हैं, बुक्स देख सकते हैं, ये फायदे हैं। आप जो है अपने अपडेटेड इंफॉर्मेशन जो है इंटरनेट पे डाल सकते हैं। जैसे आज आईपीएल का मैच हुआ है, किन टीम्स के दरमियान था, आपको कल तक पेपर अखबार में उस न्यूज़ के आने तक इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। आज इलेक्शन हुआ, कितने परसेंटेज वोटिंग हुई, आज की डॉलर का रेट क्या है इंडिया में, तो ये सारी चीज़ें देखने के लिए आप इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं, किसी एक्सपर्ट को पूछने की ज़रूरत नहीं। आप अगर पब्लिश करना चाहते हैं तो आप अपने ब्लॉग भी क्रिएट कर सकते हैं, अपने रोजमर्रा की चीज़ें, जैसा छोटा ब्लॉग है ट्विटर, आप कुछ लिख सकते हैं। आप बड़ा मवाद लिखना चाहते हैं, मजमून लिखना चाहते हैं, वर्डप्रेस का इस्तेमाल कर सकते हैं, ब्लॉगर का इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने टेक्स्ट हो, इमेजेस हो, आप उसके अंदर डाल सकते हैं, ये आप अपने आइडिया शेयर कर सकते हैं।
आप फुर्सत के अवकात में बैठे भी हैं, वक्त पास करना है, टाइम पास करना है, तो भी इंटरनेट आपके बहुत काम आने वाली चीज़ है। अगर आप जॉब्स हासिल करना चाहते हैं, जैसे आप क्वालिफाइड लेक्चरर हैं, आप समर्थ के सेंट्रल यूनिवर्सिटी चयन पोर्टल में आप रजिस्टर करते हैं, अपना सारा मवाद भर देते हैं, तो जब भी वैकेंसी निकलेगी तो वो वैकेंसी की नोटिफिकेशन आपको आ जाएगी। किसी भी कंपनी में आप रजिस्टर करें, वहाँ वैकेंसी आती है तो वो इंटीमेशन आपको आता है। तो पहले तो जो है लोग जो है एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ के लिए गली गली शॉप शॉप जाके ढूंढ के लाते, लाइब्रेरी में ढूंढते और अप्लाई करते। अब तो आपके घर बैठे जो है आपको इत्तला मिल जाती है जॉब की कि वैकेंसी आ रही है क्या। तो इसलिए भी बहुत जरूरी। डिसएडवांटेज भी हैं इसके इंटरनेट के, लेकिन देखिए कोई भी चीज़ आपके पास अगर अच्छी से अच्छी गाड़ी है तो वो एक जगह से दूसरे जगह सुकून में एसी में आप तो ले जाएगी, लेकिन उसका मेंटेनेंस भी करना पड़ेगा ना, कुछ फ़ायदे कुछ नुकसान तो होंगे। इसी तरह से इंटरनेट में अगर देखा जाए तो बच्चे अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो पेरेंट्स को चाहिए कि उनकी मॉनिटरिंग करें। मॉनिटरिंग के बिना मुश्किल हो जाएगा बच्चों को संभालना। कितना टाइम इंटरनेट इस्तेमाल करना है इसको फिक्स करना ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि देखिए बच्चों को अगर टाइम दिया जाए, गर्मियां हैं, घर में रहेंगे तो दिन भर भी वो इंटरनेट इस्तेमाल करते रहेंगे, तो वालिदैन को जो है फिक्स टाइम इंटरनेट देना चाहिए कम हद तक। ब्लैक लिस्ट बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, अचानक या ऐसे ही क्लिक करने से जो है बहुत सारी वेबसाइट्स एक के पीछे एक खुलती रहती हैं। जब आप क्लिक करते हैं वो हाइपरलिंक कहलाता है, जो मैसेज लिखा होता है हाइपरलिंक कहलाता है, या फोटो है फोटो भी हाइपरलिंक होता है, उस पर क्लिक करने से किसी एक वेबसाइट को खोला जाता है, खुल जाती है। तो ऐसी वेबसाइट जो फ़ायदेमंद नहीं है, नुकसानदह है, उनको ब्लैकलिस्ट करना ज़रूरी है। डिस्कस इम्पॉर्टेंस ऑफ इंटरनेट, अगर आप पेरेंट्स हैं तो बच्चों के साथ डिस्कस करना चाहिए कि क्या इंटरनेट में देखना चाहिए क्या नहीं। पेरेंटल कंट्रोल होना चाहिए, पेरेंट्स कंट्रोल करें बच्चों को के कुछ वेबसाइट जो न खुलें। फैमिली सेफ्टी के ग्रुप बनाएं, वेब फिल्टर्स रखें, कॉन्फिगर राउटर के जरिए भी आप कुछ चीज़ें रोक सकते हैं। जैसे एक यूनिवर्सिटी में जहाँ पर मैं काम करता था वहाँ पर फेसबुक ओपन करना अलाउड नहीं था, यानी राउटर के जरिए फेसबुक का ऑप्शन बंद किया गया था। तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि आप कुछ चीज़ें रोक भी सकते हैं। इंटरनेट एडिक्शन हो रहा है लगातार इस्तेमाल से, जैसे शराब का नशा होता है उस तरह से इंटरनेट का नशा हो जा रहा है। तो बच्चे तो शराब नहीं पीते हैं लेकिन इंटरनेट के आदि हो जा रहे हैं, तो हमें रोकना चाहिए। रिसर्च बाय नेशनल टेक्नोलॉजी रिसर्च फोरम, एक नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में उन्होंने NTRF का बनाने की बात कही है। NTRF जब बन जाएगा तो वो बहुत सारी चीज़ों की रिसर्च करेगी, जैसे ये कुछ प्रॉब्लम्स मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, इन चीज़ों को भी खसूसी तौर पर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में ये दिया गया है कि इंटरनेट एडिक्शन जो है उसको कैसे रोका जा सकता है, उस पर भी रिसर्च की जानी चाहिए। अब सोशल साइट्स है जैसे फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप, ट्विटर है या कोई और वेबसाइट है, उसके गाइडलाइंस होने चाहिए, किस उम्र के बच्चों को उसमें अकाउंट खोलने की परमिशन दी जाएगी, किस तरह का मवाद देखा जाएगा, किस तरह का अपलोड किया जाएगा, कौन सी चीज़ें हैं जो किस उम्र के लिए ज़रूरी हैं, तो ये गाइडलाइंस भी वेबसाइट्स तय करेंगी। इंटरनेट एडिक्शन मैंने जिक्र किया, स्पैमिंग होता है। देखिए स्पैमिंग उस मैसेज को कहते हैं जो अनवांटेड है, मुझे ज़रूरी नहीं है लेकिन फिर भी जो है पत्थर फेंके जा रहे हैं मेरे घर पे, तो अनवांटेड है। तो इसी तरह से गैर ज़रूरी मैसेज मेरे इनबॉक्स में आता जाए तो स्पैम कहलाएगा। इसके अलावा वायरस का भी थ्रेट है, वायरस भी अटैक कर सकता है आपके ईमेल बॉक्स को, आपके कंप्यूटर को, आपके हार्ड डिस्क को, किसी को भी, आपका डेटा क्रैश हो सकता है। और दूसरे कोई भी एक लिंक दे देते हैं, बोलते हैं कि आज जो है एक टाटा जो है एक नई व्हीकल लॉन्च कर रहा है, इस पर क्लिक करें तो आपको मुफ्त मिल जाएगी, उस पर क्लिक करेंगे तो आपका डेटा ले लेगा, तो ये हैकिंग भी होती है।
तो ये डिसएडवांटेज है, हमें इंटरनेट का इस्तेमाल पॉजिटिव तौर पर करना चाहिए, लेकिन ये भी ख्याल रखना चाहिए कि इसका गलत इस्तेमाल भी हो सकता है। सर्च इंजन और तालीम में इस्तेमाल क्या है, आप ये जानिए कि अगर आप एक किताब चाहते हैं तो कहाँ जाएंगे, आप लाइब्रेरी में जाएंगे। अगर आप खाने का आइटम चाहते हैं तो कहाँ जाएंगे, किचन में जाएंगे। खाने का आइटम लाइब्रेरी में मिलना मुश्किल है और लाइब्रेरी की किताबें खाने के आइटम किचन में मिलना मुश्किल है। तो इसी तरह से इंटरनेट का मवाद आप हासिल करना चाहते हैं तो इंटरनेट में जाना जरूरी है। इंटरनेट में जाने के लिए जो व्हीकल है वो सर्च इंजन कहलाता है। सर्च इंजन जब भी आप सर्च करते हैं तो हजारों लाखों की तादाद में आपके सामने पेपर्स देते हैं, जैसे गूगल का सर्च इंजन है, क्रोम, बिंग है, उसके अलावा याहू है, उसके अलावा ask.com है, इस तरह के बहुत सारे सर्च इंजन अवेलेबल हैं। आप हर सर्च इंजन में से मुख्तलिफ किस्म के उनके प्रोग्रामिंग के हिसाब से बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स आपके सामने पेश होंगे, थाउजेंड्स ऑफ पेजेस सेकेंड्स में आ जाते हैं। द टीचर सर्चेस टीचिंग मेथड, अगर आप उस्ताद हैं तो तदरीस के लिए कौन सा मवाद ज़रूरी है उसको सर्च करेंगे। ये जो है सर्च बहुत आसान कर देता है, इसीलिए कहा जाता है कि एक साहब जो है उनके चवन्नी गिर गई अंधेरे में, तो वो जहाँ लाइट था जाके चवन्नी ढूंढने लगे, लेकिन चवन्नी अंधेरे में गिरी है, उजाले में कैसे मिलेगी, जहाँ गिरी है वहीं पर ढूंढना चाहिए। तो जहाँ जो मवाद YouTube का मवाद वीडियो ढूंढना है तो YouTube में ढूंढने से बेहतर रहेगा। तो इस तरह से एजुकेशन का मवाद सर्च इंजन से आप ढूंढ सकते हैं। तो कंटेंट इन डिफरेंट फॉर्मेट्स, कौन कौन से टाइप के कंटेंट्स अवेलेबल है, आपको टेक्स्ट हुरूफ की शक्ल में, अशकाल की शक्ल में, आवाज़ की शक्ल में, एनिमेशन की शक्ल में, कार्टून या ग्राफ की शक्ल में आपको टेक्स्ट मिल जाएगा, मवाद मिल जाएगा। ये सारे मवाद जो है आप सर्च इंजन से हासिल कर सकते हैं। आप जहाँ एक मौलिक तदरीसी मवाद ढूंढ रहा है वहीं स्टूडेंट जो है अपने असाइनमेंट को हल करने वाला मवाद ढूंढेगा। कम्युनिकेशन करने के लिए बहुत सारे जराए हैं, जैसे हम आपस में सामने हैं, आमने सामने हैं, बात करेंगे, इशारे करेंगे, कुछ परफॉर्म करके दिखाएंगे, कुछ जवाब देंगे। यहाँ पर इंटरनेट में आपको ईमेल मिलेगा कम्युनिकेशन के लिए, चैट एक तरीका है जिससे आप कम्युनिकेट कर सकते हैं, ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसिंग है जिसमें ऑडियो या वीडियो तौर पर कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, ब्लॉग के जरिए कम्युनिकेशन कर सकते हैं, विकी के जरिए, विकिपीडिया के जरिए कर सकते हैं, इंटरनेट फोरम्स बना सकते हैं, न्यूज़ ग्रुप्स बना सकते हैं। ये मुख्तलिफ ज़राए हैं जिनके ज़रिए जो है आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। सिंपल एग्जांपल मैं ईमेल की बताऊं, तो ये ईमेल का मैंने एक इमेज यहाँ पे दिया है। इस इमेज में आप देखेंगे कि एक इनबॉक्स है, इनबॉक्स यहाँ पे जो है बहुत सारे ये हैं, क्या कहते हैं, फोल्डर्स हैं, इनबॉक्स है, फिर जो है ड्राफ्ट है, सेंट आइटम्स है, डिलीटेड आइटम्स है, जंक मेल। इनबॉक्स में जो आपके खतूत आए हुए हैं, ईमेल आए हुए हैं वो हैं, जैसे यहाँ पे देखिए पूरे ईमेल जो रिसीव हुए हैं वो रखे हुए हैं। एक ईमेल को आप अगर देखें तो ईमेल में जो है आप ईमेल टाइप करके सेंड भी कर सकते हैं, इसको भेजना है क्या उसका मजमून होगा, या तो आप भेजना चाहें तो भेज दें, या तो डिलीट करना चाहें तो डिलीट कर दें। आप फॉन्ट वगैरह जो है मुख्तलिफ चीज़ें यहाँ पे बदल सकते हैं। ईमेल के जरिए न सिर्फ ये कि टेक्स्ट भेज सकते हैं, आप इमेजेस भी भेज सकते हैं, लिंक्स भी भेज सकते हैं, बहुत सारी सहूलियात हैं। आप एक शख्स को ईमेल कर सकते हैं, एक से ज़ायद अशखाज को भी कर सकते हैं, ये पूरी की पूरी क्लासरूम को भी कर सकते हैं, क्लासरूम के पेरेंट्स को भी कर सकते हैं, आप अपने हेडमास्टर को भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। ईमेल, चैट, चैट जैसे कि एक शख्स दूसरे शख्स से चैट करता है, ये शख्स यहाँ पर इससे चैट कर रहा है,
इसने कुछ रिस्पांस दिया, ये चैट कर रहा है, फिर ये चैट कर रहा है। चैट यानी गुफ्तगु, मुकालमा या बातचीत, आपस में बात। आप फोरम बना के भी बातचीत कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर आप व्हाट्सएप में चैटिंग तो आप जानते ही जानते हैं, आप एक दूसरे से बातचीत करते रहते हैं, ये चैट। तालीमी इस्तेमाल भी उसका सोचे, आप बहुत सारे तालीमी इस्तेमाल करते हैं, तो इसका जिक्र मैं यहाँ पे कर रहा हूँ जो है। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग का जिक्र मैं कर रहा हूँ। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एक तरीका है जिसके जरिए कम्युनिकेशन किया जा सकता है। इसके लिए कौन कौन से फोरम्स अवेलेबल है, ये तो है गूगल मीट जो आज हम इस्तेमाल कर रहे हैं, अक्सर हम इसका इस्तेमाल करके टीचिंग लर्निंग करते हैं। इसके अलावा ब्लैक बोर्ड है, वेबएक्स है, माइक्रोसॉफ्ट का टीम्स है, जूम जो शुरुआती दिनों में काफ़ी मशहूर रहा। यहाँ पर हम आप लोगों ने भी काफ़ी इस्तेमाल किया होगा कोविड के लॉकडाउन के दौरान, जो टीचिंग लर्निंग के लिए जो है ये जूम का भी काफ़ी इस्तेमाल हुआ था, ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो रही। हमने भी काफ़ी ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी करवाई है। जब कर्नाटका में रेडियो प्रोग्राम्स चलते थे तो रेडियो से रेडियो कॉन्फ्रेंस करवाते थे, जो ऑडियो की शक्ल में असातिज़ा जो है वो लैंडलाइन का ज़माना था, अपने स्कूल्स में रहते थे, वहाँ से कॉल करते स्टूडियो में, स्टूडियो में हम लोग एक्सपर्ट बैठते और उनके सवाल के जवाब देते थे, जो काफ़ी मकबूल रहा। और फिर उसके बाद टेलीविज़न में भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आ गया, फिर टू वे ऑडियो, टू वे वीडियो आ गया, वन वे ऑडियो, टू वे ऑडियो, वन वे वीडियो भी रहा। ये मुख्तलिफ अकसाम हैं जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी की जाती है कम्युनिकेशन के लिए। ये ब्लॉग, ब्लॉग में आप अपने आइडियाज़ रख सकते हैं, आइडियाज़ अपने फॉलोअर्स तक पहुँचा सकते हैं, लोग आवाम के लिए मखसूस या पब्लिक के लिए ओपन पहुंचा सकते हैं। ये एक ब्लॉग का मैंने यहाँ पे इमेज भेजा है जो हमने लिखा हुआ है, जिससे मैं आइडिया के वेबिनार्स करा रहा था, तो एक वेबिनार का यहाँ पे जिक्र है, एक वेबिनार जिसको यहाँ पर क्लिक करके हासिल किया जा सकता है। ये आइडिया हमें न सिर्फ इस ब्लॉग में न सिर्फ टेक्स्ट मटेरियल दिया जा सकता है, जबकि आप यहाँ पे पिक्चर्स भी डाल सकते हैं, फॉन्ट के साइज मुख्तलिफ कर सकते हैं, कलर्स कर सकते हैं, कोई भी इसको वेबसाइट के जरिए ढूंढ सकता है। वेब ब्लॉग भी एक ऐसा तरीका है जिसके जरिए आप मालूमात दूसरों तक पहुँचा सकते हैं। इसके अलावा विकिपीडिया का अक्सर तलबा को आपने इस्तेमाल करते हुए देखा होगा, कोई भी असाइनमेंट दे दीजिए वो विकिपीडिया पे जाएंगे और असाइनमेंट का जवाब ढूंढेंगे। अब तो ये पुराना ज़माना हुआ, अब तो चैट जीपीटी, जेमिनी वगैरह अवेलेबल है, कुछ भी सवाल पूछिए और जिस तरह से सवाल पूछा जाएगा, प्रॉम्प्ट किया जाएगा, उस तरह का जवाब आपको हासिल होगा। ये विकिपीडिया है, विकिपीडिया में कोई ये खास मजमून, जैसे मैंने मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी को सर्च किया तो उसने जो है एक मवाद मेरे सामने रखा जिसको मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ। हाइपर लिंक्स हैं, जहाँ जहाँ हाइपर लिंक्स हैं, आप मज़ीद तफसीलात हासिल करना चाह रहे हैं तो उसको क्लिक करके उसको पढ़ सकते हैं, कैंपस के बारे में पढ़ सकते हैं, मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी के बारे में डिग्री कैसी है उसको पढ़ सकते हैं, कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें जैसे कब इस्टेब्लिश हुई थी, इसके चांसलर कौन है, इसके वाइस चांसलर कौन है, स्टूडेंट्स कितने हैं इसके कैंपस के, डिस्टेंस के, लोकेशन का क्या है, ये कुछ मखसूस चीज़ें दी गई हैं। न सिर्फ मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी बल्कि दूसरी चीज़ें भी आप पढ़ और समझ सकते हैं। एक फोरम है, बहुत सारे फोरम भी हैं जिनको आप देख सकते हैं। मैंने फेसबुक से एक फोरम लिया है ताकि आपके साथ शेयर कर सकूं, उर्दू टीचर्स फोरम। मुमकिन है मैं इस पेज पे पूरा नहीं देखा हूं, तो यहां पे देखिए कि 363 फॉलोअर्स हैं इस पेज के, इस फेसबुक के पेज के। आप अपना पेज क्रिएट कर सकते हैं, अपना साइंस टीचर्स का, उर्दू साइंस टीचर्स, उर्दू मैथमेटिक्स टीचर्स या उर्दू लैंग्वेज टीचर्स के फोरम्स बना सकते हैं, टीचिंग लर्निंग या कुछ नई चीज़ें आप क्रिएट कर रहे हैं, अपनी क्रिएटिविटी, इन सारी चीज़ों को जो है एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं, ये सहूलत आपको मिल जाएगी, तो फोरम्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा न्यूज़ ग्रुप्स है,
बहुत पुरानी जमाने पुरानी बात है जब इंटरनेट इस तरह से यूज नहीं होता था। यूजनेट सिस्टम ने नेटवर्क बनाए थे जहाँ पर जो है इंफॉर्मेशन कोई भी न्यूज़ हो उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन या ओपिनियंस डिस्कस किए जा सकते थे। यूजनेट न्यूज़ रीडर्स सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हुए जो ईमेल जैसा ही है एक पोस्ट उसका जो है सभी को पहुंच जाता था। जैसे हम ग्रुप में एक पोस्ट करते हैं यानी आज का इलेक्शन बहुत अच्छा हुआ आप पोस्ट करते हैं तो सभी तक पहुंच जाता था। तो ये न्यूज़ ग्रुप के ये फायदे हैं। कंटेम्प्रेरी इश्यूज पर आप न्यूज़ पर डिस्कस कर सकते हैं। टेक्स्ट मैसेजेस विद फ्यू इमेजेस, उस जमाने में लो बैंडविड्थ हुआ करती थी जिसकी वजह से जो है कंटेंट टेक्स्ट मैसेजेस हुआ करता था, ज़्यादातर कंटेंट कुछ इमेजेस भी उसके अंदर डाली जा सकती थी। कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल जैसे आजकल हम HTTP प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, उस वक्त जो है नेटवर्क न्यूज़ ट्रांसफर प्रोटोकॉल न्यूज़ ग्रुप वालों ने इस्तेमाल किया। अगर उसका एक नेम मैं आपको एग्जांपल के लिए दूँ तो इस तरह से है yasushi.art.california, यहाँ पर डॉट डॉट के जरिए सेपरेट किया गया है, जबकि HTTP में हम /forward/colon वगैरह देखते हैं, यहाँ पे डॉट के जरिए सेपरेट किया गया है। अब इंटरनेट है, इंटरनेट के साथ कैसे जुड़ा जा सकता है, इंटरनेट को कहाँ कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है और क्या क्या चीज़ें हैं एजुकेशन में, ब्लॉग है फिर यूट्यूब है वगैरह हमने देखी। अब बिहेवियर कैसा होना चाहिए, बिहेवियर एटिकेट्स कहते हैं बर्ताव, जैसे चाल चलन बर्ताव एटिकेट्स इस तरह से बहुत से बहना अंदाज में पेश हो एटिकेट्स के नाम। इंटरनेट पे जो नेट पे जो एटिकेट्स होते हैं उसको नेटिकेट कहा जाता है। नेटिकेट में देखिए आप ख्याल रखें कि आप एक ह्यूमन बीइंग के साथ डील कर रहे हैं, ये आपके सामने मशीन तो रखी हुई है लेकिन मशीन पे जिसने यूट्यूब बनाया वो एक ह्यूमन बीइंग है, आप उसके एहसास को मजबूर न करें। बिहेव एथिकली एंड रिस्पॉन्सिबली, कोई भी कुछ पोस्ट करता है उसको हम कमेंट कर देते हैं अच्छा बुरा, इंसान ये मशीन को कमेंट नहीं कर रहे आप इंसान को कमेंट कर रहे हैं, इस बात को ख्याल करें। फैमिलियराइज योरसेल्फ विद टेक्नोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, हर एक टेक्नोलॉजी के एक हुदूद होते हैं, उस हुदूद को उस दायरेकार को अगर आप जाने तो उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अच्छे अंदाज में कर सकते हैं। रेस्पेक्ट अदर्स टाइम एंड बैंडविड्थ, जैसे मैं देख रहा हूँ कि मेरे क्लास में जितने भी तलबा हैं जो स्टूडेंट टीचर्स हैं सारा अपना वीडियो ऑफ रखे हुए हैं, सारा अपना ऑडियो ऑफ रखे हुए हैं। वजह ये भी हो सकती है कि ये बैंडविड्थ जो है ज़्यादा से ज़्यादा खाएगा, इसलिए हो सकता है कि आपने बैंडविड्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए जो है ज़्यादा डेटा उस पर नहीं डाल रहे। प्रेजेंट योरसेल्फ पॉजिटिव, आप कुछ भी काम कर रहे हैं इंटरनेट पे आपको पॉजिटिवली पेश करना है अपने आप को। शेयर योर नॉलेज एंड एक्सपर्टाइज, अगर आप कुछ चीज़ें जानते हैं तो उनको शेयर करें दूसरों के साथ। कीप फ्लेम वॉर्स अंडर कंट्रोल, जैसे मैं शुरुआत के दिनों में देखता था कि याहू के चैट रूम्स होते थे, चैट रूम में जो है एक दूसरे से लड़ाई चल रही थी, किसी खास मौजू को लेके, हो सकता है मजहब से रिलेटेड हो सकता है लोकेलिटी से रिलेटेड हो सकता है जबान से रिलेटेड हो। अरे भाई लड़ने के लिए थोड़ी चैट में जाना है, थोड़ा सा मुहज़बाना अंदाज में पेश आना चाहिए। बी फॉरगिविंग टू ऑफ अदर्स मिस्टेक्स, समझिए कि आपको किसी ने गलत पोस्ट किया आपके अगेंस्ट में, होता रहता है तो उसको फॉरगिव भी करना चाहिए। ये नेटिकेट्स हैं, अगर आप उसको फॉलो करना चाहें तो करें, करने से बेहतर होता है। जिस तरह से खाने के आदाब महफिल के आदाब घरों में बताते हैं इसी तरह से कुछ आदाब मैंने यहाँ पर आपको बताए। इमोटिकॉन्स और एब्रीवेशंस इस्तेमाल करें जिससे कम जगह जाता है। इमोटिकॉन्स वो है स्माइली होता है, थम्सअप होता है, तो इस तरह की चीज़ें। एक्नॉलेज अदर्स, अगर दूसरा उनका कॉन्ट्रीब्यूशन है हम उसको कॉपी पेस्ट करके अपने नाम पे छपा लें तो ये गलत होगा। राइट
अगर ईमेल लिख रहे हैं किसी को तो सब्जेक्ट उस ईमेल में जरूर लिखें। नेटिकेट्स को फर्दर मैं रीड आउट करता हूँ, काफ़ी सारी चीज़ें हैं इसके अंदर, जैसे अवॉइड ऑब्सेंस, नास्टी लैंग्वेज, मुहासिबाना जुबान का इस्तेमाल करना चाहिए, ग्रामर और पंक्चुएशन सही होने चाहिए। इंटरनेट के ज़माने में जो है गुड नाइट को GDN8 गुड नाइट लिखा जाता है, तो इस तरह से लिखने से जुबान जो है जो लैंग्वेज लिटरेचर है वो कमज़ोर पड़ता जा रहा है, तो आपको ग्रामर और पंक्चुएशन का सही इस्तेमाल करना चाहिए। मैसेज जो है ऐसा नहीं कि आपको टेक्स्ट मैसेज लिखना है तो पूरा का पूरा पेज ईमेल में घुसेड़ दिया, नहीं, आपको जितना कंसाइज कर सकते हैं उतना कंसाइज करना चाहिए, मतलब की बात उसके अंदर लिखना चाहिए। अवॉइड कैपिटल लेटर्स, कभी कभी क्या होता है आप ग्रुप्स में देखें कोई कोई मैसेज जो है कैपिटल लेटर्स में करता है, नॉर्मल मैसेज में कैपिटल लेटर्स नजर आएंगे तो ऐसा लगता है कि वो शख्स जो है ग्रुप में चिल्ला रहा है, तो इस तरह से अवॉइड करें कैपिटल लेटर्स अगर इस्तेमाल। सरकैज़म, अब्यूज़, दूसरों को गालियाँ देना ग्रुप में, कुछ भी बोलना है, इसको अवॉइड किया जाए। डू नॉट इंटरफेयर प्राइवेसी ऑफ अदर्स, ग्रुप में आप पूछेंगे किसी को काला गोरा छोटा नट्टा अगर बोलेंगे तो सही नहीं लगेगा, उसकी पर्सनल चीज़ें घर में कुछ चल रहा है तो उसको आप ग्रुप में पेश करेंगे तो सही नहीं जाएगा, प्राइवेसी का ख्याल रखें। पब्लिक पोल्स आर रेड बाय और इंक्लूडिंग अवर चिल्ड्रन, आज हमने किसी कौम, किसी मजहब, किसी मिल्लत के बारे में कुछ लिखा तो याद रखें कि आपके बच्चे भी वो आपका पोस्ट पढ़ेंगे तो आपके नज़रियात से किस तरह से असरअंदाज होंगे, तो इस तरह के पोस्ट अवॉइड करनी चाहिए। रॉन्ग पोस्ट में नॉट पुट इनटू ट्रबल, देखिए गवर्नमेंट वक्त ब वक्त जो है मुख्तलिफ एडवाइजरीज जारी करती हैं, अगर कोई पॉलिटिकल पार्टीज या किसी शख्स के बारे में आप गलत लिखेंगे तो आपको जेल भी हो सकती है, तो इस बात को हालांकि वर्चुअल वर्ल्ड में आप काम कर रहे हैं लेकिन रियल वर्ल्ड में उसका इम्पैक्ट होता है, इस बात को याद रखें आप। ये याद रखें कि पोस्ट या फेक मैसेजेस आजकल चल निकला है कि लोग जो है फेक मैसेज डालते हैं, वो फेक मैसेजेस नहीं डालने चाहिए जिसकी जो गलत है। अदर्स, दूसरों का वक्त और टाइम भी का लिहाज रखें, जैसे 12 बजे मुझे आपसे मिलना है ऑनलाइन, ठीक 12 बजे मैं वहाँ पे अवेलेबल हो जाऊँ, तो ये कुछ एटिकेट्स हैं, नेटिकेट्स हैं जिनको हम ध्यान रखना चाहिए। बिहेव इन द वे यू वांट अदर्स टू डू विद यू, दूसरों का, हमारे इस्लाम में भी कहा जाता है कि दूसरों के साथ वैसा बर्ताव करो जैसा आप अपने से एक्सपेक्ट करते हैं, तो ये होना चाहिए। स्पैम मैसेज, कोई भी मैसेज दिया आपने वो मैसेज फॉरवर्ड कर दिया, बार बार उस मैसेज को फॉरवर्ड करें, ग्रुप को ज़रूरत नहीं है तो वो स्पैम कहलाएगा, जैसे अपने घर का कचरा दूसरे के घर में डाल दें, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको जो मैसेज इम्पोर्टेंट लगे दूसरों को लगे, अगर ऐसा लगता है कि वो ग्रुप की रिक्वायरमेंट है तो वहाँ पे दे दें। कीप ईमेल इनबॉक्स की, अक्सर हम लोग भी नहीं रखते हैं, जो भी मेल आता है उसको रखते जाते हैं हमारा ईमेल जो है बॉक्स बहुत बड़ा हो जाता है। स्टूडेंट के लिए सेफ्टी और इंटरनेट सेफ्टी क्या होनी चाहिए, जैसे आजकल देखते हैं कि साइबर क्राइम्स बहुत बढ़ रहे हैं, कई लोगों को मैंने देखा है व्हाट्सएप पे उनका ईमेल इस्तेमाल करते हुए पैसे मांगे जाते हैं, ईमेल को हैक किया जाता है वहाँ पे पैसे मांगे जाते हैं, किसी का फेसबुक का अकाउंट हैक किया जाता है और फहश चीज़ें उसके अंदर डाली जाती हैं, तो साइबर क्राइम आपके पैसे लूटे जाते हैं, बैंक अकाउंट लूटे जाते हैं, तो ये साइबर क्राइम्स हैकर्स पर्सनल इंफॉर्मेशन स्टील कर रहे हैं। वेब सेफ्टी, ऑनलाइन सेफ्टी, इंटरनेट सेफ्टी बहुत ज़रूरी है, पहले ज़माने में ये किताबों का हिस्सा नहीं था, निसाब का हिस्सा नहीं था, आज बच्चों को गुड टच बैड टच के साथ साथ ये भी चीज़ें सिखानी ज़रूरी है, और इंटरनेट के ज़्यादा इस्तेमाल से आइज़ पर भी असरात होते हैं, आँखों का असर हो रहा है, फिजिकल एक्टिविटी बच्चों की कम हो रही है, बच्चे जो है पढ़ाई में डिसइंटरेस्ट हो रहे हैं, इंटरनेट एडिक्शन जोरों पर है, मेजॉरिटी ऑफ इंटरनेट कंटेंट इज नॉट फॉर स्टूडेंट्स, देखिए अगर मैंने अच्छा कपड़ा पहना है तो उससे बच्चे को क्या फायदा,
मैंने अगर एक टोपी डाली है तो मैं पोस्ट कर रहा हूँ, उससे बच्चे को क्या फायदा? यानी बहुत सारा मवाद जो इंटरनेट पे अवेलेबल है बच्चों के फायदे का नहीं है, लेकिन फिर भी बच्चे उसको एक्सेस कर रहे हैं, तो उनको सेफ्टी बतानी चाहिए। इंसोम्निया, रात भर बच्चे मोबाइल देखते हैं, क्लासों में जाके सोते हैं, तो ये भी जो है उनको बच्चों को बताना चाहिए कैसे सेफ्टी हो। सोशल मीडिया साइट्स आफ्टर सर्टेन एज इस्तेमाल होना चाहिए, जो भी उनके गाइडलाइंस हो। डोंट शेयर फोटोज, छोटे बच्चे नहीं जानते तो उनके फोटोज हम लोग शेयर कर, छोटे बच्चे शेयर कर देते हैं, या तो हम खुद भी जो है छोटे बच्चों के फोटोज शेयर कर देते हैं, लेकिन ये अच्छी चीज़ नहीं है, क्योंकि पता नहीं कौन किस तरह का फोटो क्या इस्तेमाल करे। अगर कोई आपको लगातार सता रहा है या पोस्ट कर रहा है, ऐसे अनवांटेड गेस्ट को बच्चों को कहा जाए कि जिस तरह से गुड टच है, बैड टच है, इंटरनेट का भी टच है, ऐसे को ब्लॉक करना चाहिए। डोंट शेयर, बच्चों को कहा जाए कि कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन और नंबर्स पब्लिकली न शेयर करें। उसके अंदर फैसिलिटी होती है, क्या पब्लिकली शेयर करना चाहते हैं, क्या प्राइवेट रखना चाहते हैं, तो प्राइवेसी रखना ज़रूरी है। इसके लिए प्राइवेसी सेटिंग का इस्तेमाल करें, पर्सनल इन्फॉर्मेशन अपने तक ही रखें, आपका अपना आपका प्लान, आपका एड्रेस, आपका ये आप ही है, योर नेम, एड्रेस, प्लान और कुछ है, ये चीज़ें जो है यहाँ पे कहलाता है, तो इसको हम सबके साथ शेयर न करें। और अभी कल ही मैं रेडियो में सुन रहा था कि ये किस तरह का किस्सा हुआ, ये दो अपराध ऑनलाइन मिल गए, दोस्ती हो गई, लड़की इतना क्रेजी हो गई कि लड़के को देखना चाहती थी, जब वहाँ पहुँची तो देखती है कि 60 प्लस का बूढ़ा शख्स वहाँ पे है। तो जब बड़े लोग भी इस तरह का शिकार हो जाते हैं, तो बच्चों को तो आप खैर रोकना चाहिए ऑनलाइन फ्रेंड्स से मिलने के लिए। सिक्योरिटी ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड पासवर्ड, बहुत सारे जगह पर क्लिक करने के लिए कहा जाता है, इसको क्लिक करें आपके अकाउंट में 50,000 रुपये आ जाएंगे। हम क्लिक करते हैं और जो है हमारे आने के बजाय जो है अमाउंट चली जाती है। कोई मुफ्त में घर बैठे पैसे नहीं देता, तो इस बात को ध्यान रखें आप। पासवर्ड इस्तेमाल करें तो पासवर्ड किस तरह का इस्तेमाल हो बच्चों को भी बताएं, आप ही ध्यान में रखें कि कैपिटल लेटर्स यूज़ होना चाहिए, नंबर्स यूज होना चाहिए, सिंबल्स यूज होना चाहिए, ऐसा वर्ड होना चाहिए जो हमारे नाम से ना हो, सरनेम से ना हो, प्लेस से ना हो, क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ होता है, इवन हम लोगों के साथ भी हुआ है कि हमारा पासवर्ड वेरीफाई करके सामने वाले ने कह दिया कि देखिए ये आपका ईमेल आईडी है, पासवर्ड है, मैं आपका अकाउंट हैक कर दिया हूँ, तो इस तरह से भी होता है। तो मिनिमम ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, जहाँ मुमकिन हो वर्चुअल कीबोर्ड होता है, जैसे आप SBI में ऑनलाइन बैंकिंग अगर इस्तेमाल करें तो आप देखेंगे कि वर्चुअल कीपैड होता है, उसमें अगर आप अपना पासवर्ड क्लिक करें तो बेहतर होगा। अगर ये देख रहे हैं जहाँ हमने इंटरनेट के फायदे देखे हैं, वहीं पर इंटरनेट में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके खतरात हमें देखने में मिलते हैं। एक है वायरस, उससे कैसे बचा जा सकता है, लीगल और एथिकल इश्यूज क्या है कॉपीराइट और हैकिंग के, यह आखिरी सेक्शन है जिसको मैं डिस्कस करूंगा, लेकिन आखिरी सेक्शन में भी बहुत सारी चीज़ें हैं। हमारे सेल्फ लर्निंग मटेरियल में दिया गया है कि कंप्यूटर वायरस 1986 में पाकिस्तान के अलवी ब्रदर ने ढूंढ निकाला, जब वो अपने प्राइवेसी प्रोटेक्ट करना चाह रहे थे, उन्होंने एक वायरस को बनाया जिसका नाम ब्रेन था। लेकिन मैं जब मुतालिया कर रहा था, मुख्तलिफ तरह के वेबसाइट्स, मुख्तलिफ तरह के मवाद मेरे सामने लेके आए, तो मैंने देखा कि कंप्यूटर वायरस जो है 1949 में सेल्फ रिप्लिकेशन, एक फाइल बनाई है उसका रिप्लिकेट होगा, तो ये एक तरह का वायरस है। एप्पल वायरस 1, 2, 3 वाज सम ऑफ द फर्स्ट वायरसेस इन पब्लिक, ये जो है रिजर्व थे यहाँ पर पब्लिक में 1981 में आए। जेरूसलम करके एक वायरस था जो .exe.com फाइल्स पे ये करता था, वर्क करता था, और एवरी फ्राइडे
13th, जब भी 13th होता है ना तो ये डुप्लीकेट होता है। फिर उसके बाद 1991 में टेकीला फर्स्ट वाइड स्प्रेड पॉलीमॉर्फिक वायरस आ गया। फिर मेलिसा आ गया 1999 में, लहूबर्ग आ गया 2000 में जिसको नाम था आई लव यू वायरस, आई लव यू जो है आउटलुक के जरिए भेजा गया था। अगर उस पर क्लिक करते हैं तो वायरस जो है अपने सिस्टम पे ईमेल पे अटैक करता था। उसके बाद 2001 में COVID-1 एंड टू वर्म्स आ गए। इस तरह के बहुत सारे वायरसेस जो है अलग अलग डेट में देखने को मिले हैं। 1949 से लेके 2024 तक मुख्तलिफ किस्म के वायरसेस आ गए। आज तो कल तो ऐसे वायरसेस है जो ऑटो जनरेटेड है और इतना तेजी से आपके सिस्टम पे अटैक करते हैं कि आपको बचाने के लिए एंटीवायरस का रखना बहुत जरूरी है या किसी एक्सपर्ट से उसका डिस्कशन करना जरूरी है। मोटिवेशन फॉर वायरस इंक्लाइंड, जिस तरह से कंप्यूटर हम जानते हैं ताकि एजुकेशन में इस्तेमाल करें, उसी तरह से वायरस बनाने वालों का भी कुछ मोटिवेशन होता है। कुछ चीज़ें होती हैं जिसकी बुनियाद पर वायरस बनाते हैं। क्यों बनाएं? देखिए, पर्सनल प्रॉफिट्स, उनको हो सकता है कि कुछ फायदा पहुंच रहा हो या कुछ पैसे मिल रहे हो। पॉलिटिकल पार्टीज हैं, पॉलिटिकल मैसेजिंग देना चाह रही तो वायरस उस तरह का वायरस क्रिएट करेंगे। कुछ लोग जो है पर्सनल एंटरटेनमेंट, पुराने ज़माने में मुझे याद है रात के 2-3 बजे शरारती बच्चे उठ के लैंडलाइन से एक दूसरे को फ़ोन करते थे दूसरे दूसरे घरों में। अब लैंडलाइन को तो स्विच ऑफ नहीं किया जाता तो बार बार एक ही घर में रात के 2-3 बजे आप कॉल करेंगे तो वो एक किस्म का वायरस है। पर ये शरारती बच्चों को तो एंटरटेनमेंट हो रहा है, लेकिन जिस पर एक घर में फ़ोन आ रहा है उसकी हालत आप सोचिए। इसी तरह से वायरस जिसके पास आ रहा है उसकी हालत आप सोचिए, बहुत मुश्किल। इंडिकेट, आप किसी का प्रोग्राम समझिए कि बहुत अच्छा, जैसे आईफोन कहा जाता है कि वायरस अटैक नहीं करता, तो वायरस क्यों नहीं अटैक करता, मैं ऐसा प्रोग्राम बनाऊंगा कि वायरस उस पर अटैक करे, ये मोटिवेशन हो सकता है। फिर हो सकता है कि दूसरे कंट्रीज की इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए, रिसेंटली न्यूज़ में कई मतलब आया कि चाइना जो है दूसरे कंट्री को सिक्योर वेबसाइट में घुस के वहाँ से इंफॉर्मेशन निकाल रही है। कुछ लोग चाहते हैं कि मैं कितना एक्सपर्ट हूँ ये बताने के लिए, एक्सपर्ट होने के बताने के लिए आप लेक्चर दे सकते हैं, दूसरों को पढ़ा सकते हैं, वीडियोज ऑडियोज बना सकते हैं या नए प्रोग्राम्स की तश्कील कर सकते हैं। लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स ऐसे होते हैं जो अपना एक्सपर्टाइज दिखाने के लिए वायरस बनाते हैं। ये किस तरह से फैलता है, वायरस किस तरह से फैलता है? ईमेल के जरिए आपके पास आ जाएगा, वेबसाइट के जरिए, कहीं वेबसाइट पर आप क्लिक करेंगे तो आ जाता है। नेटवर्क में एक जगह अगर वायरस घुस जाता है दूसरे जगह पर आ जाता है। स्कैम एंटीवायरस, हाँ आप समझ तो रहे कि ये एंटीवायरस है, आप डाउनलोड करेंगे लेकिन उसके अंदर वायरस निकल आएगा। अगर आपका बूट अफेक्टेड है तो पहले तो हम ये करते थे कि फ्लॉपी डिस्क या सीडी या पेन ड्राइव डालते वक्त पहले चेक करते थे कि सामने वाले के सिस्टम में जो है वायरस तो नहीं है। अगर उसके अंदर वायरस है या तो हमारे पेन ड्राइव में वायरस है उसको जाएगा या तो उससे आएगा, तो ये भी ख्याल करने की जरूरत है। फिशिंग स्कैम्स, या जिस तरह से मछली को पकड़ने के लिए दाना डालते हैं उस तरह से आपको कुछ लुभाते हुए मैसेजेस देके आपके सिस्टम में जो है वायरस डाला जाता है, या आपका सॉफ्टवेयर ही अफेक्टेड है, या पर्पजफुली जो है हैकर आपके सिस्टम में हैकर मैसेज डाल रहा है, वायरस डाल रहा है। वायरस की बहुत सारी अक्सर जिसको मालवेयर भी कहा जाता है। आप देखिए यहाँ पे स्पाईवेयर है, स्पाईवेयर कलेक्ट्स इंफॉर्मेशन अबाउट यूजर्स विदाउट देयर नॉलेज। आपको मालूम नहीं है लेकिन आपके हर वक्त आप जो वेबसाइट देख रहे हैं, जो आप टाइप कर रहे हैं, जो आप काम कर रहे हैं, सिस्टम की सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है स्पाईवेयर, जैसे जासूस है। सेकेंड है वायरस जो आपको डैमेज योर डेटा एंड फाइल्स वायर डाउनलोड फ्रॉम द इंटरनेट। जब आप डाउनलोड करोगे तो आपके वायरस आ जाएगा और अपने फाइल्स जो है आपके खराब करेगा। रैनसमवेयर क्या करता है,
इट ब्लॉक्स द पर्सनल कंप्यूटर, आपका पर्सनल कंप्यूटर काम करना बंद करता है. टेक्स कंट्रोल एनक्रिप्ट योर फाइल्स. एनक्रिप्ट उसको कहते हैं जो जो पासवर्ड डालता है उसी को उसके सिस्टम में करती है, आप उसको दोबारा नहीं खोल पाएंगे. तो आपका सिस्टम तो चलता रहेगा लेकिन फाइल आप खोल नहीं पाएंगे. एनक्रिप्ट योर फाइल एंड डिमांड्स अ रैंसम टू रिटर्न देम. किसी भी के साथ भी हो सकता है तो इसका ख्याल रखने की जरूरत है. एंड ऑटोमेटिकली डिस्प्लेज और डाउनलोड्स एडवर्टाइजिंग मटेरियल्स. ऑटोमेटिकली डिस्प्लेज डाउनलोड्स एडवर्टाइजिंग मटेरियल. जैसे कि आपने कहीं क्लिक किया, मालवेयर आ गया आपके सिस्टम में, कुछ भी क्लिक करें आपका पॉपअप नजर आएगा और कुछ एडवर्टाइजमेंट आने लगेगा. ट्रोजन वायरस एक कंप्यूटर का ऐसा वायरस है जो खेलों की शक्ल में आपके सामने आएगा. अक्सर बच्चे खेलते खेलते उसको डाउनलोड करते हैं तो सिस्टम में आ जाता है. आपके जाने अनजाने में इस तरह के बहुत सारे वायरसेस आ जाते हैं. वर्म्स है. टेक अप स्पेस एंड स्लोस योर सिस्टम बाय मेकिंग कॉपीज ऑफ देमसेल्व्स रिपीटेडली. जैसे पेट के अंदर कीड़े होते हैं उस तरह के वर्म्स पैदा होते हैं और अपने आप को मल्टीप्लाई करना शुरू कर देते हैं और आप सिस्टम अंदर का अंदर जो है स्लो हो जाता है और बहुत सारा जगह लेता है. अच्छा, तो वक्त बिल्कुल तो है तरफ यार, अपन स्पेंड कर रहे हैं यार. अच्छा, मोहम्मद शोएब सर, आप जरा म्यूट हो जाइए प्लीज सर. वसीम सर. जी 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 सर. टाइम भी हो चुका है, मैं क्लोज कर दूं. बेहद शुक्रिया सर, बड़ी अच्छी मालूमात आपने फराहम की सर. वाकई में ये नहीं सिर्फ ये यहाँ तक हमारे बीएड के ट्रेनिंग तक महदूद नहीं है, बल्कि क्योंकि आज का दौर को मद्देनजर रखते हुए जो जितनी भी इंफॉर्मेशन आपने प्रोवाइड की है सर, जो भी आपने हमारे साथ में शेयर की है, वो वाकई में हमारे लिए बहुत ज़्यादा माविन साबित होगी. तलबा के लिए नहीं, हमारे जो पार्टिसिपेंट्स है बीएड के स्टूडेंट्स है उनके लिए नहीं, बल्कि हमारे लिए भी. तो बेहद शुक्रिया सर, जजाकल्लाह खैर सर. आप तमाम का भी शुक्रिया कि आप सेशन में जुड़े रहे. इंशाल्लाह लंच के बाद फिर से मिलते हैं. जजाकल्लाह जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर. ऐसे जो इन्फॉर्मेटिव जो टेक्नोलॉजिकल जितने भी अवेयरनेस है जो आजकल के लिए हम टीचर्स के लिए, चाहे पेरेंट्स हो या टीचर्स हो, बच्चों को क्लासरूम में एकजा करने के लिए हमें सीखने की बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरत है सर. जितनी तेजी से तरक्की हो रही है, जितनी तेज़ी से हमारे हाथों में कंप्यूटर, प्रोजेक्टर्स, लैपटॉप्स वगैरह आ रहा है, उससे ज़्यादा तेज़ी से तो हमें इसे कंट्रोल करना सीखने की ज़रूरत है. यूट्यूब चैनल तालीमी तकनीकी तहकीकी बसीरत तहरीकी और तंजीमी वीडियोस फराहम करता है. मजीद बसीरत हासिल करने के और प्रोग्राम में हिस्सा लेने के लिए लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें. जल्द ही मिलते हैं अगली वीडियो में.